हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग देख सकते हो रोड पे, तो ये न्यू लोकेशन पे अभी हम लोग हैं। तो ये रोड है कोटेश्वर वाली, मतलब कोटेश्वर से काफ़ी आगे आगे हम, तो यहाँ पे कुछ काम था पापा लोगों का, तो पापा चाचा लोग तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये है लोकेशन और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बुआ को लेने। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल सब घर पे आ रखे, पूरा परिवार साथ में है, तो बुआ और दीदी की थोड़ा कमी महसूस हो रही थी। दीदी को तो अभी थोड़ा काम है तो दीदी अभी नहीं आ सकती, तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं बुआ को लेने। और मेरे बुआ का ससुराल है तिलवाड़ा से आगे पड़ता है तुनेटा गाँव, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। ममता भी जा रखी है शायद पहले ना। हाँ, मैं एक दो बार गई हूँ पहले। हाँ, मैं भी जा रही हूँ, तो आज आप लोगों को भी ब्लॉग में घुमाएंगे। तो पापा चाचा लोग तो अभी अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं बुआ को लेने के लिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं तिलवाड़ा में और हमेशा मैं रुद्रप्रयाग का पुल निकालती रहती थी, आज तिलवाड़ा का पुल आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है तिलवाड़ा का पुल और जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं, तो ये मयाली के लिए जाती है रोड, तो यहाँ से बुआ के लिए फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों, अभी हम तिलवाड़ा से थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा जूस पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अपनी गाड़ी का ना यही फायदा होता है, कहीं पे भी रुक जाओ। और ये देखो मस्त यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक का चीयर है। हाँ, ये भी चीयर्स होता है। चीयर्स में बिल्कुल क्या होता है, वैसे बिल्कुल लेते हैं केवल इसको। कैसा लग रहा है आपको कि आज अपनी बहन को लेने जा रहे हो? अरे बेहतरीन, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। सही बात है, और ऐसे मौके कैप्चर भी होने चाहिए। बिल्कुल कैप्चर होने चाहिए। हाँ, कई वर्षों बाद ऐसा मौका मिलता है। हाँ, सही बात है, सब लोग एक साथ। हाँ, उसका मजा ही कुछ और है। सही बात है, देखो लाइफ में फैमिली है तो सब कुछ है। हाँ, सही बात है, बाकी कोई नहीं आता जीवन में काम अपनी फैमिली के अलावा। फैमिली सबसे पहले, सुख हो दुख हो, मनमुटाव भी होंगे फिर भी फैमिली वाला ही काम आएगा। सही बात है, सबको ये मैसेज है मेरा, अपनी फैमिली से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, तो यहाँ पे मस्त करके पहले जूस पीते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और जगह तो सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं रुद्रप्रयाग में बारिश ही नहीं हो रही है। तो थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। गाड़ी में डस्टबिन है हमारे, ये सब उसमें जाएगा। बिल्कुल, और सबको यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई भी यात्री कोई भी टूरिस्ट आता है उत्तराखंड में, तो सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी चीज खाते हो तो प्लास्टिक वगैरह बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, बस यही मैसेज देना चाहते हैं। अपनी कार में डस्टबिन जरूर रखें, एक थैली, एक कॉटन का थैला रखें, जैसे हम अभी पी रहे हैं तो हम उसमें डालेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद कहीं जाके जगह जहाँ वो कूड़ादान होगा वहाँ डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं तुनेटा मार्केट में। ये देखो कुछ इस तरह का मार्केट है और यहाँ से ऊपर जाना हमें तुनेटा गांव के लिए। मैं यहाँ आई थी अब बहुत साल पहले, लगभग हो गए 5-6 साल हो गए हैं तब आई थी मैं तुनेटा गांव में। यहाँ पे एक धारा भी था, वहाँ से मैंने पानी भी सार रखा है। सही में यार, बहुत ज़्यादा मतलब यादें जुड़ी हुई है यहाँ से। बचपन में जब छुट्टियाँ पड़ती थी ना स्कूल की जून के महीने, तो आ जाते थे कभी बुआ के यहाँ कभी नानी के यहाँ, तो आज फिर से वो सब यादें ताज़ा हो गई। मस्त मज़ा आएगा, बुआ के यहाँ जाएंगे, बुआ को अपने यहाँ लेके जाएंगे। ये देखो खाओ खाएंगे, इधर जाना है सर, मुझे जहाँ तक याद है इधर ही जाना है। फाइनली पहुंच गए हैं बुआ के घर पे। बुआ को आवाज लगा, पुपू, ओ पुपू, ये फाइनली बुआ मिल गई। पुपू प्रणाम, जीते रहो, स्वस्थ पानी, ठीक ठाक ठाक बस नहीं दे पैसा। बुआ हमारे लिए आम लेके आ गए, ये देखो आम बुआ हमारे, बट फर्क ये है कि बुआ घर के लाई। आम केले लाए हैं। प्रणाम, ठीक तो गुड, चलो नारी की तरफ। तो ये है मेरी बुआ का घर, आज आपको तुनेटा गांव दिखाएंगे। चलो जी बुआ की हवेली में चलो। ये देखो ये है पहाड़ों के पुराने घर, इस टाइप के घर होते थे पहाड़ों में पहले, अब तो लेंटर वाले डाल रहे सब। ये देखो पठाल वाले, ये देखो बिल्कुल। पंखा खोलो, हाँ, ऐसा लग रहा है एसी रूम में आ गए ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं अभी बुआ के छत में आ रखी हूँ और यहाँ से मैं आपको ना थोड़ा बहुत तुनेटा गांव दिखाती हूँ। ये देखो कुछ इस तरह का लोकेशन है यहाँ से,
और इस गांव में ना बहुत सारे आम लगे हुए और बंदर भी उतने ही है। जितने आम लगे हुए ना उससे ज़्यादा बंदर है यहाँ पे। जैसे मैं छत में है ना, यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ था। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे सही में। तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए घर पे ही जाना है हमको। बुआ को हमने मना कर दिया था खाना मत बनाना, क्योंकि फिर बुआ ने हमारे साथ ही आना था, तो हमने सोचा वहीं पे खाना खा लेंगे। तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बुआ के बगीचे में, आम के बगीचे में। देखो बुआ के यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ पे देखो बुआ ने हमारे लिए इतने सारे आम निकाल रखे हैं। अचार डालूं? अचार, अचार के लिए, क्योंकि अभी पके तो है नहीं। हाँ अचार, खटा अचार, बिल्कुल सब तरह का अचार। हाँ ना ना वे बहुत है, तो इतने आम बहुत हैं। तो हमने भी बुआ के लिए आम और केले ला रखे थे, लेकिन वो तो सिर्फ शगुन के लिए कि खाली हाथ कहाँ जाना है घर पे, फिर यहाँ से उठा के फिर उनको नारी लेके जाएंगे। क्योंकि बुआ हमारे साथ आ रही है तो क्या ही करेंगे, उनका यहाँ पे खराब हो जाएंगे, तो इसलिए अपने साथ ही लेके जाएंगे उनको। तो बुआ बोल रही होगी ले यहीं की लेचनी है, बोली बोली ले यहीं की लेचनी, जब बता यार जा। हाँ सही बात है। तो नीचे भी गिर रखे हैं बहुत सारे आम, बंदरों ने गिरा रखे हैं। हाँ मस्त पड़े। ये हमारी छोटी बुआ का घर है, यानी कि बुआ की देवरानी का घर, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, वो लोग देहरादून में रहते हैं। हाँ वो लोग देहरादून में रहते हैं। ये देखो देहरादून वाले हैं बोले। हमको पहाड़ी मत बोलो। हाँ तो यहाँ पे काफी अच्छा बगीचा बना रखा है बुआ ने। देखो सब फल फ्रूट लगा रखे हैं, पेड़ पौधे, लेकिन बंदर, बंदरों ने कर दिया आतंक। तो दोस्तों अभी हम निकलने लगे हैं बुआ के यहाँ से। और ये तो आप बुआ के लिए लाए थे, फिर आप नारे ले जा रहे हो। रिटर्न गिफ्ट हो गया। बुआ अकेली है तो यहाँ क्या करना है उसको। सही बात है, पता था इसीलिए मैंने कहा हाँ खूब सारा रखो, ये वापस ही आएगा। ये अपने घर जाएगा। अरे अरे हाँ मुझे ना बुबू, अरे मैं जवान छू ना बुबू, पर्स टांग, पर्स तू पर्स टांग। ये देखो बुआ हमसे ज्यादा मॉडर्न बनी हुई है भाई। ये देखो हमने नहीं रखा हुआ ऐसा पर्स। तेरे भाई जिंदा हैं तब तक बोझ हम उठाएंगे। सही बात है, चलो हम उठाएंगे अपने कंधों पे। बुआ पर्स टांग के जा रही है, बस मस्त हो गए। तो अभी बुआ के यहाँ से भी झोले तमोले भर के ले गए। परसों जब फिर बुआ जब आएगी ना, तो फिर बुआ को भी ऐसे रिटर्न में मिलेंगे झोले भर भर के। तो दोस्तों अभी हम बुआ के घर से आ गए हैं नीचे रोड पे, और अभी हम जा रहे हैं किसकी खोज में, तो आप लोगों को पता होगा मुंबई में मोमोज नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बहुत रेयरली मिलते हैं, ऐसे स्ट्रीट पे नहीं लगे रहते हैं। हां तो ये जब भी यहां आती है ना, तो इसकी बस एक ही डिमांड रहती है, मोमोज मोमोज मोमोज, क्योंकि उत्तराखंड के मोमोज तो बिल्कुल सेम है। तो तुनेटा में यहां पे बहुत ही फेमस मोमोज है, मतलब दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। मैंने तो अभी तक खाए नहीं है, बट आज टेस्ट करेंगे कि कैसे होते हैं, और ममता को भी टेस्ट कराएंगे, फिर पता नहीं कितने सालों बाद खाएगी, है ना। ममता का मुंह लटक गया क्यों? बता क्या हुआ? नहीं ऑप्शन और भी हैं, अभी और भी ऑप्शन है। हाँ यहाँ के बहुत फेमस है, बुआ ने बताया था। हाँ कहीं और पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी वापसी के टाइम में हम यहाँ पे आए हैं श्री राम मंदिर में, देख सकते हो, और यहाँ पे भी दर्शन करते हैं। जय श्री राम। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं बचपन से देख रहा हूँ हमारे यहाँ ये राम मंदिर है। एक तो राम मंदिर हमारा अयोध्या में है, वही हमने सुना था, जो कि 500 सालों के बाद सनातन धर्म के अनुयायियों को एक नया भव्य मंदिर मिलने जा रहा है अयोध्या में। और दूसरा राम मंदिर मैं कभी कहीं भी नहीं देखा मैंने, ये हमारे यहाँ है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में, तिलवाड़ा से थोड़ा सा आगे ये मयाली की तरफ को रोड जाती है और सड़क के किनारे से लगा हुआ ये राम मंदिर हमने बचपन से देखा है। अयोध्या के राम मंदिर में जहाँ तक समझता हूँ कि उस समय हमें इतनी अकल नहीं रही होगी कि अयोध्या में भी राम मंदिर है, हम इसी को राम मंदिर समझते थे। तो चलिए आपको इसका दर्शन कराते हैं। बिल्कुल जय श्री राम। भव्य मूर्ति है हनुमान जी की। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली अभी पूरा घूमने के बाद ममता को मोमोज मिल गए, खुशी देख रहे हो लड़की की, कैसे भाग भाग के जा रही है, आज तो हमला बोलेगी भाई। तो फाइनली अभी यहाँ पे जा रहे हैं भट्ट जी रेस्टोरेंट में, यहाँ पे खाएंगे मोमोज।
दोस्तों फाइनली यहाँ पे ममता ने मोमोज खा लिए, तब से तड़प रही थी मोमोज को। दूसरा प्लेट है ममता का ही, मुंबई में मिलेगा नहीं ना खाने के लिए, इसलिए अभी खा ले जी भर के। तो दोस्तों फाइनली ममता की विश पूरी हो गई है ना, मोमोज खाने की, क्योंकि गाँव में मिलते नहीं है ना, इसीलिए अब जब भी मार्केट आएंगे इसको मोमोज खिलाते रहेंगे। गर्मी से इतनी हालत खराब हो गई ना, पता नहीं इतनी उमस हो रही ना आज, है ना, पसीना पसीना हो गया सही में। तो अभी हम इस लोकेशन पे हैं, चलते हैं अब घर की तरफ। घर में खाना बना हुआ था लेकिन ममता की जिद थी मुझे मोमोज खाने हैं, मोमोज खाने हैं, तो इसी बहाने मैंने भी खा लिया मोमोज। तो चलते हैं अभी घर पे। तो दोस्तों फाइनली अभी 2:30 बज गए हैं और अभी पहुंच गए हम अपने गांव में। ये देखो हालत खराब हो गई थी आज गर्मी से। कैसा लग रहा बुआ को अपने मायके में पहुंच के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिनों से आ रही हूं। हाँ काफी महीने हो गए थे, तो अभी चलते हैं घर पे खाना खाते हैं। 8-9 महीने से। 8-9 महीने हो गए, आती नहीं है बुआ, तब ऐसे लेने जाना पड़ता है सबको, तब आती है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक? ठीक सुन, तुम मम्मी को नींद पड़ गई थी? है नींद आ गई थी मेरे को। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। हाँ। तो हमने खाना खा के सो गए थे, उन्होंने बोला खा लो हम देर में आएंगे, इसलिए हमने खा लिया था। हाँ। तो आ गए, ये पधार गए हमारे जी और सासू जी यहाँ पे। हाँ। इनको दिखाओ आज को। उनको तो दिखा रहे हैं आज पूरे तुनेटा से यहाँ तक। वही तो कह रही मैं, बुआ हमसे ज्यादा मॉडर्न हो रही है इस बार। अभी मिल गई बुआ अपने तीसरे भाई से भी है, कैसा लग रहा है? पापा का प्लान भी बन रहा था आने का लेकिन कैंसिल हो गया था बाद में। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और सब लोग बैठे हुए हैं घर पे, और मम्मी की डिमांड है कि मम्मी आजकल वीडियो में ज्यादा बोल नहीं पा रही है, तो मम्मी की स्पेशल वीडियो बनानी है। दोस्तों सच में नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देवर जी उनके सामने भी ज्यादा नहीं बोलती, चेटसी के सामने भी ज्यादा नहीं बोलती, तो सब आ रखे हैं घर में आजकल, अच्छा माहौल हो रखा है दोस्तों। तो अब गर्मी इतनी हो रही है, क्या करूँ मैं, आपसे बात करने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। मेले कमेंट करते रहना, मेले कमेंट करते रहना दोस्तों, ये मत सोचना कि वीडियो में कम बोल रही है तो हम कमेंट नहीं करेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, बारिश का नामो निशान नहीं है। और आप लोग भी बताना आपके उधर कितनी गर्मी हो रही है। बिल्कुल। और क्या बोलना दोस्तों, तब क्या बोलना ज्यादा, फोन चलो। अभी यहाँ पे आ गए हैं दो और मेंबर, सिंगर चाची और धीरे बोलने वाली चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो? तो दोस्तों आपने कहा था काली हो, काली तो होना ही ना, भड़ंकार रोड पर रह गया। वही तो। इतनी गर्मी हो रही है अपन, बहुत गर्मी। और कैसा लग रहा है सबसे मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जेठ सासू जी मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और हमारे बम्बई वाले जेठानी जी भी हैं। हाँ। साथ में रहते हैं सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची भी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी तो अच्छे होंगे, आप हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। आज हम इनसे मिलने आ रखे हैं, सभी मेरी बुआरी है। अच्छा। बुजुर्ग सासू जी। माँ का प्री उठाई क्या? यहाँ पे मेरे पतिदेव जी भी है। पतिदेव जी इतने थक गए तो उन्होंने वहाँ पे पता नहीं पंखे का काम, ये मैकेनिक का काम भी बहुत करते हैं। हाँ। घर में कभी इनको बुलाना, ये फ्यूज वाला भी ठीक करते हैं। हाँ। तो बताओ ये फ्यूज वाला जो ठीक करते हैं तो ये सीधे हो सकते हैं? घर में कोई भी चीज खराब हो जाती है, मिक्सी खराब हो जाए, गैस खराब हो जाए, गैस खराब बोलो तुम, मशीन खराब, यहाँ तक कि आदमी भी कोई खराब हो जाए उसको ठीक करते हैं। तो तुम्हें तो पापा ने इतनी कर ठीक स्क्रू भी ढीला छावा यहाँ पे ला। नहीं सच में ये खूब काम के, ऐसी बात नहीं है, बोलो ना कुछ वहाँ वीडियो में। मैं क्या बोलूं? सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आज पूरी लेडीज पार्टी बैठी हुई है, ये देखो मस्त गप्पे सप्पे मार रहे हैं।